फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बाजरे की रोटी, तो चलो बनाते हैं। बाजरे की रोटी बनाने के लिए मैंने ले लिया है बाजरे का आटा और लिया है पानी। पानी मैंने नॉर्मल लिया है, इसमें टेस्ट के अनुसार डाल देंगे नमक। नमक को अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। पानी मैंने नॉर्मल लिया है, पानी में हमने अच्छी तरह नमक को मिक्स कर लिया है और हाथों को अच्छी तरह साफ पानी से धो लिया है। और हम ऐसे हाथ की सहायता से पानी डाल देंगे, आप ऐसे भी डाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर आटे को इसमें मिक्स करेंगे। हम इस प्रकार बाजरे की रोटी बनाएंगे तो ना हमारी बाजरे की रोटी फटेगी और ना ही टूटेगी। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। इस तरह हाथों की सहायता से अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, आटे को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जो हथेली की ये चीज है, इसकी सहायता से अच्छी तरह हथेली से इस तरह यहां से अच्छी तरह आटे को मस लेंगे। इसमें जो गुठलियां हैं आटे में बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन इस तरह बाजरे की रोटी बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रोटी बनेगी, बिल्कुल नहीं फटेगी। कम से कम 2-3 मिनट हमें अच्छी तरह हाथों से ऐसे मसलना है। और अब हम बनाएंगे रोटी, तो इस तरह लोई ले लेंगे, उतनी ही लोई लेंगे जिस प्रकार हम गेहूं की रोटी बनाते हैं, उसे थोड़ा सा ज्यादा आटा ले लेंगे और ऐसे हाथों की सहायता से ऐसे मिक्स करेंगे इसको। और जो ज्यादा आटा लगे उसको निकाल लें। मैं बिल्कुल एकदम पतली रोटी बना रही हूँ, बिल्कुल गेहूं के जैसी। इस तरह लोई बना लेंगे और ऐसे भी बना सकते हैं। यदि इस प्रकार आपके हाथों में चिपके तो पानी लगाने की हाथों में कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बाजरे का सूखा आटा ले ले और ये जो ये आटा है सूखा, ये हमारी इस लोई पे लगा ले, इस तरह लगा ले। और इस साइड भी थोड़ा सा आटा अंगुलियों पे लगा के ये भी इस साइड लगा ले। इसके बाद हमें हल्के हल्के हाथों से इस तरह रोटी को गूंथना है, जोर बिल्कुल नहीं देना है, इस तरह गूंथना। इतनी बड़ी हमारी रोटी हुई है, अब हम इसको हाथों से बढ़ाएंगे। इस तरह बढ़ा लेंगे और अब दोनों हाथों की सहायता से इसको बढ़ाएंगे। इस तरह जो ये हमारी ये चीज है, इससे हम रोटी को बढ़ाएंगे। अंगुलियों का बिल्कुल भी हम जोर नहीं लगाएंगे, यहां से बढ़ाएंगे। इस तरह हल्के हल्के हाथों से गोल गोल बाजरे की रोटी बना के तैयार कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ऐसे बढ़ाना है, रोटी बिल्कुल नहीं टूटेगी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, बिल्कुल गोल बनेगी हमारी रोटी और बिल्कुल पतली बनेगी। बना ली है हमने, जैसे गेहूं की रोटी होती है उतनी बढ़ा ली है। बाजरे की रोटी बनाने के लिए मैंने ये मिट्टी का तवा लिया है, आप लोहे का भी ले सकते हैं। लोहे के तवे पर आसानी से बन जाती है। मैं दोनों तवों पे बनाती हूँ, लोहे के भी पर भी बना लेती हूँ और इस पे भी। लेकिन लोहे पे थोड़े से आपको यदि बनाए तो चिपकने का थोड़ा सा डर है, बाकी इस पे बिल्कुल नहीं चिपकेगी। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, तवा है वो गर्म हो चुका है, तो अब हम रोटी को डाल देंगे। इसको धीरे धीरे पकने देंगे, गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, धीरे धीरे ये पक जाएगी। पकने के बाद इसको पलटेंगे, कच्ची को नहीं पलटेंगे। यदि हाथों हाथ पलट देंगे तो टूटने का डर रहेगा, थोड़ा सा नीचे से सिकने देंगे इसको। नीचे से रोटी है वो सिक चुकी है, तो अपन क्या करेंगे, ऐसे अब इसको पलट देंगे, आसानी से पलट देंगे। ये नीचे से सिक चुकी है, बिल्कुल नहीं चिपकी है, और अब इसको नीचे भी सिकने देंगे। अब गैस की फ्लेम को हल्का सा बढ़ा देंगे। अब जो हमारी रोटी है बाजरे की, वो नीचे से भी सिक चुकी है, ऐसे पलट के देखेंगे, ये देखो बिल्कुल नहीं फटी है। अब हम इसको गैस पे सेकेंगे, क्योंकि तवे पे नहीं सिकेगी ये, और गैस पे ऐसे डाल के धीरे धीरे गेहूं की तरह सेक लेंगे, जैसे गेहूं की रोटियां सेकते हैं वैसे ही सेक लेंगे। गेहूं की रोटी की तरह फूल गई है हमारी बाजरे की रोटी, एकदम पतली बनी है, बिल्कुल नहीं टूटी। ऐसे ही हम सारी रोटियां बना लेंगे। इस तरह रोटी बाजरे की हमने सारी बना ली है। और अब इसमें डालेंगे घी, अच्छा घी डालेंगे तब बाजरे की रोटी बहुत टेस्टी लगेगी।
इस प्रकार हमने बिल्कुल पतली रोटी बनाई है, बिल्कुल मोटी नहीं है। ये देखो इसी तरह सारी रोटियां बना के तैयार कर ली है। और इसके साथ बनाई है मैंने कड्डी। आप दाल भी बना सकते हैं, कोई भी सब्जी के साथ बाजरे की रोटी खा सकते हैं, दही के साथ भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है और बहुत हेल्दी भी होती है। जरूर बनाइए, सर्दियों का मौसम है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। थैंक यू।